हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक आज के क्लास में हम देखेंगे कैपिटल बजटिंग का तीसरा टेक्निक दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एन पी वी नेट प्रेजेंट वैल्यू ठीक है एन पी वी सबसे फेमस तरीका है कैपिटल बजटिंग के जितने भी टेक्निक्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें एन पी वी जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है इसमें हम कर क्या करते हैं एनपीवी इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बेसिकली जो पैसा जाने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू और जो पैसा आने वाला है आने वाले सालों में वो इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू तो इट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड द प्रजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो पॉजिटिव होगा तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और अगर ये नेगेटिव होगा तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे सबसे ज़्यादा डिसीजन जो लिया जाता है वो एन के बेसिस पे लिया जाता है क्योंकि एन एक डिस्काउंटिंग टेक्निक है एनपीवी जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ मनी को कंसिडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है और कोई भी डिसीजन लेने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है रियल लाइफ के अंदर तो एटलीस्ट ठीक है तो सबसे ज़्यादा फेमस सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला एंड सबसे ज़्यादा रियल लाइफ में यूज होने वाला टेक्निक है एनपीवी ठीक है देखना द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ़ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट्स प्रपोजल

थ्री इयर्स ठीक है द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लो डिटर्माइन सेपरेटली फॉर ईच ईयर बाय डिस्काउंटिंग दिस इनफ्लो बाय द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो जो भी फ्यूचर में पैसा आने वाला है इनफ्लो उन सबको हम डिस्काउंट करके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन रुपी ड्यू इन एनी नंबर ऑफ ईयर कैन बी फाइंड आउट विद द यूज ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल फॉर्मूला तो प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना है तो हम पहले भी सीखे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दैट इज वन टू द पावर एन जहाँ पे आर इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स कितना पीछे हम लाना चाहते हैं तो जो प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे वो कैसे निकलेगा ए वन मतलब कैश इनफ्लो आफ्टर वन ईयर डिवाइड बाई वन प्लस आर ए टू ए थ्री ए फोर ए एन तक हम लोग सबको जितना भी कैश इनफ्लो होने वाला है सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और वो जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू होगा दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो वैसे ही निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और फिर आएगा एन पी वी एन पी वी इज बेसिकली अगर फॉर्मूला के हिसाब से बोलें तो इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश उटफ्लो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज basis ऑफ the यूजिंग एनपीवी क्राइटेरिया तो बोल रहा है दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट करना है बताओ प्रोजेक्ट ए या प्रोजेक्ट बी दोनों का कॉस्ट बता दिया अब कैश फ्लो ठीक है, है प्रोजेक्ट ए का पाँच हज़ार पाँच हज़ार पाँच सौ छः हजार ठीक है छः हज़ार पाँच सौ पाँच हजार पाँच सौ दिस इज द कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए सिमिलरली कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट बी भी बताया हुआ है दोनों में ही आ रहा है अट्ठाईस हज़ार पाँच सौ टोटल कैश इनफ्लो दोनों में अट्ठाईस हजार पाँच सौ है दोनों का कैश आउटफ्लो ट्वेंटी वन थाउजेंड तो देख कर तो सेम लग रहा है लेकिन एन से आंसर जो है अलग अलग आएगा ठीक है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है ग्यारह परसेंट का डिस्काउंटिंग फैक्टर है डिस्काउंटिंग फैक्टर डायरेक्टली दिया हुआ अभी डिवाइडेड बाय करके डायरेक्ट दिया हुआ है देखो पहले साल के एंड का वन डिवाइड बाई वन पॉइंट वन का स्क्वायर वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन वन का क्यूब ऐसे करके हर ईयर का दिया हुआ है ठीक है स्टार्ट करते हैं देखना सबसे पहला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखे इयर्स लिखे तो देखो प्रोजेक्ट ए का करते हैं पहले तो ये रहा प्रोजेक्ट ए इस पर ध्यान दो खाली ए प्रोजेक्ट ए का कैश इनफ्लो यहाँ पे लिख दिए ठीक है सारा कैश इनफ्लो लिखे मल्टीप्लाई करेंगे उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ तो सारा कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा और टोटल प्रेजेंट वैल्यू होगा बीस हजार नौ सौ दो रुपए ठीक है ठीके? ये पीडीएफ तो मैं दूंगा वैसे नोट्स में वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो तुम ठीक है तो जितना भी कैश इनफ्लो है सबको मल्टीप्लाई किए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ टोटल कैश इनफ्लो आया बीस हजार नौ सौ दो इसका मतलब है जो भी फ्यूचर में पैसा आने वाला है वो सबका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है बीस हजार नौ सौ दो और आउटफ्लो कितना है ट्वेंटी वन थाउजेंड तो अगर हम करें कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो तो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो बीस हजार नौ दो माइनस इक्कीस हजार तो यह आएगा नाइनटी एट नेगेटिव तो प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू बीस हजार नौ सौ दो रुपए है और कैश आउटफ्लो जो है ट्वेंटी वन थाउजेंड है मतलब यहाँ पे ज्यादा पैसा आउटफ्लो हो रहा है सिमिलरली प्रोजेक्ट बी सारा कैश इनफ्लो लिखे प्रोजेक्ट बी का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा सारा प्रेजेंट वैल्यू टोटल किए प्रेजेंट वैल्यू को तो आया बाईस हजार ज़ीरो नाइन सेवन जितना पैसा फ्यूचर में आने वाला है प्रोजेक्ट बी से उसका प्रेजेंट वैल्यू है ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइन्टी सेवन रुपीज और कैश आउटफ्लो है ट्वेंटी वन थाउजेंड तो एन पी वी पॉजिटिव है वन जीरो नाइन सेवन इसका मतलब प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो जो है उसका प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है क्लियर है तो बहुत ही इजी टेक्निक है जस्ट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो सॉरी कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ठीक है नेक्स्ट तो प्रोजेक्ट ए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए प्रोजेक्ट बी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ठीक है सिमिलरली ऐसे और भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जैसे स्टेशन नंबर नाइन है देखना नो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल अनलेस इट इज ईल्डिंग टेन परसेंट मतलब हमको दस परसेंट का रिक्वायरमेंट है तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का आर पता चल गया दस परसेंट कैश इनफ्लो आउटफ्लो होगा पहले डेढ़ लाख जीरो ईयर में और तीस हजार लगेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फिर कैश इनफ्लो होगा बीस ठ अस्सी तीस ठीक है तो हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अगर कैश इनफ्लो ज्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे ठीक है वही बोला है सैलवेज से, वैल्यू बोला है मतलब पांच साल के बाद प्रोजेक्ट बेच प्रोजेक्ट का जो मशीन है बेच देंगे चालीस हजार मतलब फिफ्थ ईयर में कितना रुपए आएगा तीस हजार आएगा कैश इनफ्लो और चालीस हजार और आएगा सैल्वेज वैल्यू तो हम ऐसे बोल सकते हैं फिफ्थ ईयर में टोटल पैसा आएगा दैट इज सेवेंटी थाउजेंड ठीक है देखना तो सबसे पहला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डेढ़ लाख तो ऑलरेडी जीरो में है तो ये तो उतना ही होगा उसका वैल्यू डेढ़ लाख ही होगा तीस हजार एक साल के बाद है. तो मल्टीप्लाई के एक साल के बाद का फैक्टर वन डिवाइड बाई वन पॉइंट वन तो जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ठीक है उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो सारा इनफ्लो लिखे देखो फिफ्थ ईयर में टोटल कितना है फिफ्थ ईयर में मिला के देखो दोनों फिफ्थ ईयर है सेवेंटी थाउजेंड तीस हजार था का कैश इनफ्लो था चालीस हजार का सैलवेज था ठीक है सबको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखे सबका सबको मल्टीप्लाई के कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ टोटल कैश इनफ्लो आया वन लैक एटी सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्स जीरो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जैसे कि हम देख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो पॉजिटिव आ रहा है अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्लियर है ये ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन और है स्क्रीन में दिख रहा होगा एलिस्टेशन नंबर टेन ये तुम्हारा होमवर्क है बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें इसमें तुमको जो है प्रोजेक्ट बताना है कि एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है तुम सॉल्यूशन भी देख सकते हो ठीक है क्लियर है ये तो बेसिकली ये है एनपीवी के प्रैक्टिकल पोर्शन दो क्वेश्चन हम क्लास में देखे एक क्वेश्चन होमवर्क है जो कि हमको घर पे करना है ठीक है उसके बाद आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनपीवी ठीक है जिसके अंदर पहला है एडवांटेजेस देखना इट रिकोगग्नाइजेज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एंडटेबल टू बी अप्लाई द सिचुएशन विद यूनिफॉर्म कैश आउटफ्लो और अनइवेंट कैश इनफ्लो और कैश फ्लो तो अलग अलग कैश फ्लो होगा हर साल तो भी हम ये टेक्निक आराम से लगा सकते हैं सेकेंड इट टेक्स इन टू अकाउंट द अर्निंग ओवर द एंटायर लाइफ ऐसे नहीं कि कुछ साल का अर्निंग्स को कंसिडर करता है ये टोटल हर साल के अर्निंग्स को कंसिडर करता है एंड ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कैन बी इवेल्यूएटेड इट टेक्स इन टू कंसिडरेशन दब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिटी क्लियर है नेक्स्ट so आता है डिसडवांटेजेस ऑफ एन पी वी ठीक है द नेट प्रेजेंट वैल्यूज मेथड सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन क्या क्या लिमिटेशन से देखते हैं एज कम्पेयर ट्रेडिशनल मेथड दैल्यू मेथड इज मोर डिफिकल्ट थोड़ा डिफिकल्ट है समझना क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है और सिंपल नहीं है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इट मे नॉट गिव गुड रिजल्ट वाइल कंपेयरिंग प्रोजेक्ट विद अन इक्वल लाइफ्स एज द प्रोजेक्ट हैविंग हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू बट रियलाइज इन अ लॉन्ग लाइफ स्पैन मे नॉट बी डिजरेबल एज अ प्रोजेक्ट हैविंग समथिंग लेसर एन पी वी अचीव इन मच शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट तो यहाँ क्या बोल रहा है हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट का एन पी वी ज़्यादा हो लेकिन उसका लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट हायर है मतलब दस साल में पैसा आएगा और हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट का NPV कम है लेकिन उसका life है मतलब चार साल में आ जाएगा पैसा तो एनपीवी टेक्निक के हिसाब से तो ज्यादा एनपीवी वाला प्रोजेक्ट को लेना चाहिए लेकिन कई बार बिजनेस जो है हायर लाइफ वाले प्रोजेक्ट को नहीं लेना चाहता है शॉर्टर लाइफ को लेना पसंद करेगा तो ये डिसएडवांटेजेस है एन पी वी का ठीक है नेक्स्ट इन द सेम वे एज़ अबाउट इट मे नॉट बी गिव गुड रिजल्ट बाई कम्पेयरिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ अनईक्वल इन्वेस्टमेंट अगर अलग अलग पैसा इन्वेस्टेड है तो हो सकता है कि इससे सही रिजल्ट ना आए लास्ट इट इट नॉट ईजी टू डिटरमाइंड अप्रोप्रियट डिस्काउंट रेट कितना में डिस्काउंट करना है दस परसेंट से ग्यारह परसेंट से बारह परसेंट से वह अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट रियल लाइफ में जानना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा हमारे क्वेश्चन में तो दिया रहता है दस परसेंट में करें ग्यारह परसेंट में करें लेकिन रियल लाइफ में उसको निकालना हो सकता है डिफिकल्ट होगा ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द मोस्ट फेमस टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टेक्निक को लेकर अभी के लिए इतना थैंक यू एंड बाय बाय